मोदी जी, आप दिवाली के मौके पर सब्जी बहुत ही ज्यादा महंगी बेच रहे हो, बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हो। पहले तो आप सब्जी इतनी महंगी नहीं बेचते थे, दिवाली पर आपने तो सब्जी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। देखो बहन सोनिया जी, सब्जी का भाव मेरे हाथ में नहीं है, सब्जी का रेट कोई मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो मंडी से जैसी सब्जी मिलती है वैसी लाके यहाँ पे बेचता हूँ मैं गाँव में। अब दिवाली पर मंडी में ये सब्जी मुझे महंगी मिली है तो यहाँ गाँव में भी लाके महंगी सब्जी बेच रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। और दूसरी बात सोनिया जी, आप यहाँ पे आके पास में सब्जी क्यों देख रही हो? जहाँ पर बहन मायावती जी, ममता दीदी बैठी है वहाँ से सब्जी को देखो। मोदी जी, असल में आप अच्छी अच्छी सब्जी को अपने पास छुपा के रखती हो, वही सब्जी देख रही हूँ। मम्मी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो, वहाँ मोदी जी के पास क्या कर रही हो, वहाँ पर उनके पास कहाँ सब्जी देख रही हो, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी सब्जी रखी हुई है। बैंगन कितनी अच्छी है, टमाटर कितनी अच्छी है। मेरे बेटे राहुल, तू नहीं जानता, मोदी जी यहाँ पे अपने पास में अच्छी अच्छी साफ सुथरा सब्जी को छुपा के रखती है, और जब ये सामने वाली सब्जी बिक जाती है फिर उस सब्जी को बेचती है, तो वही सब्जी को देख रही हूँ मैं। बहन सोनिया जी, आप तो बेफालतू की बात करती हो, आज मैंने सब्जी को कहीं पे छुपा के नहीं रखा है, देख लो यहाँ पे सामने जो सब्जी है वही सब्जी बेच रहा हूँ मैं। अच्छी सब्जी है, ले लो, बैंगन ले लो, बिल्कुल सस्ते दाम में लगा दिए। बताओ मोदी जी, बैंगन क्या रेट दिए? एक किलो बैंगन ही ले जाऊं, आज दिवाली का मौका है, दिवाली पे बैंगन ही बना के खाऊंगी। बहन मायावती जी, एक किलो बैंगन 3 रुपए के। मोदी जी, अगर बैंगन को 2 रुपए किलो दो तो दे दो, नहीं तो मैं किसी दूसरी दुकान पे सब्जी लेने के लिए चली जा रही हूँ। अरे नहीं बहन मायावती जी, 2 रुपए किलो तो नहीं दूंगा आपसे, मैं ज्यादा भावबाजी नहीं करूंगा, आप 2.5 रुपए दे दो एक किलो बैंगन के, ले लो। और मोदी जी, ये टमाटर आपने 2 तरीके के क्यों रखे? एक छोटे छोटे टमाटर है, एक ये बड़े बड़े लाल लाल टमाटर है, दोनों के रेट में क्या फर्क है? बिल्कुल ममता दीदी, ये छोटे वाले टमाटर 1 रुपए किलो और ये बड़े वाले टमाटर 5 रुपए किलो। बहन सोनिया जी, आपको कुछ लेना है या यहाँ पे सब्जी ढूंढती रहोगी? हाँ मोदी जी, आज आपके पास अच्छी अच्छी सब्जी छुपी हुई नहीं मिली, सारी की सारी सब्जी आपने सामने ही रख दी है, तो सामने वाली सब्जी में से मुझे भी 1 किलो बैंगन दे दो। क्या मम्मी जी, दिवाली के मौके पे बैंगन की सब्जी बनाओगी? बैंगन की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी लो मोदी जी से। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।